मध्य प्रदेश में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है, जिसमें बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सोमवार को भी मौसम विभाग ने प्रदेश के 13 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। नदी नाले उफान पर हैं, छोटे बड़े डैम में पानी लबालब भर गया है। कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक प्रकाश धवले ने बताया कि लो प्रेशर एरिया, मानसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से एमपी में भारी बारिश का दौर चल रहा है। आने वाले 4 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देवास, सीहोर, रायसेन, दमोह, कटनी, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटे में जो अभी डिप्रेशन नॉर्थ ईस्ट प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, तो वो जो है उसका थोड़ा नॉर्थ साइड में मूव करने का पूरा चांसेस बने हुए हैं। और उसके साथ ही जो राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, वहाँ से अपना मानसून ट्रफ जो है होते हुए जा रहा है, ये अपने डीप डिप्रेशन से और आगे डाल्टनगंज से होते हुए मीन्स बिहार बंगाल की तरफ, और इसकी मीन्स खास करके ये डीप डिप्रेशन की वजह से पूरे प्रदेश में जो है अच्छी वर्षा हो रही है। हमने जो है 9 जगह पे मीन्स एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की चेतावनी दी है आने वाले 24 घंटे में। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।